फर्स्ट जब होला तो तनी ज्यादा हाला होला, आस्ते आस्ते ठंडा हो जाला, लेकिन हम ठंडा नहीं भइल, हमारे लोग ठंडा नहीं भइल, हमारा लड़े के बा पूरा तैयारी है पक्का। जेडीयू का टिकट जो कट करके आरजेडी को जाएगा क्या? ना ऐसा तो नहीं लागत। तो फिर हिना साहब का क्या होगा? आए? हिना साहब का क्या होगा फिर? अब तो हिना साहब जो ना दल में बानी, उ दल के लोगों ने बताई ये पार्टी में चली हो पार्टी में चली, हम कहीं ना जाए यहीं में रहे, मतलब ऐसे आँख ऐसे करके बताता था। हाँ इशारा करो लोग, हो में चलो हो में चलो, हम कहने चलो। नमस्कार आदाब, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मेरा नाम फहीम खान है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिवान के बढ़रिया के पूर्व विधायक, चर्चित विधायक श्याम बहादुर सिंह है। आइए बातचीत करते हैं। श्याम बहादुर जी, सबसे पहले तो आपका लाइव सिटीज पे बहुत बहुत स्वागत है। हमरो तरफ से चैनल के स्वागत बा। सबसे पहला सवाल कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के ये चर्चा बन रहा था कि श्याम बहादुर सिंह जो है वो सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाँ लड़े के बा इच्छा बा, लेकिन तब रहल कि पार्टी के विरुद्ध ना हमारे मुख्यमंत्री जो फैसला ले स्वागत बा, वहाँ के इच्छा के विरुद्ध हम ना कोनो काम कोयले बनी ना कोनो काम करें। अच्छा, आपके ही पार्टी से अभी सांसद हैं कविता सिंह, कितना विकास हो पाया है 5 सालों में आप देखें ना? है सिवान में कितना विकास हो पाया 5 सालों में? सिवान में विकास तो भइल बा, अब वहाँ का कोयले बनी कि अब के कोयले बा एक और बहुत जानकारी हमरा ना है। अच्छा, पिछले 5 साल जो लगभग 4 साल बीत चुका इसमें कौन किया है? ये तो ये जो 5 साल रहा ये तो कविता सिंह का ही ना रहा। हाँ तो कविता जी विकास के काम गोल में सुहागरा को मंदिर बा, जैसे सुन ले बनी कि सुहागरा वहाँ का जाइले बराबर सुहागरा में कुछ भवन बनावे उन्होंने खातिर फंड सुहागरा वहाँ का दिले बनी। एने तो हमने नहीं लोग समुदायिक भवन भी वहाँ का बनौला से बनौल। आपके ही पार्टी की है ना, आपके ही पार्टी की सांसद हैं सिवान से, उनका इस तरह का विरोध कर? अच्छा हम कहता नहीं, हम उनका विरोध नहीं करत, काम के सवाल पर रुआ पूछनी है तो हम काम जो भइल वही पर हम बोले। हमारा पार्टी के सांसद बड़ी चाहे हमो पार्टी में बनी वो दूसर चीज बा, जहाँ तक काम के सवाल बात हो पर वह पूछनी हो तो कविता जी काम अगर कोयले बनी तो क्षेत्र के लोग बताई, खाली अकेले हम कह दी काम बोल बा काम नहीं के बोल तो जनहित भी नहीं के। अच्छा एक चर्चा खूब लगभग 2-3 महीना पहले ये खूब चर्चा उठा था कि श्याम बहादुर सिंह सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये जो माहौल बना वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, क्या लग रहा है मूड बदल गया है क्या आपका? ना ऐसा बात नहीं है, लड़ेगा बा पक्का पक्की है। कौनो चीज फर्स्ट जब होला तो तनी ज्यादा हाला होला, आस्ते आस्ते ठंडा हो जाए, लेकिन हम ठंडा नहीं भइल, हमारे लोग ठंडा नहीं भइल, हमारा लड़े के बा पूरा तैयारी है पक्का। अच्छा एक चर्चा ये भी था कि हिना साहब से आप मुलाकात किए थे, सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, 3-3 बार चुनाव उन्होंने हारा है, और उनसे आप मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद ये चर्चा हो रहा था कि जेडीयू में उन्हें शामिल करवाइएगा, लेकिन क्यों ठंडा पड़े हैं, शामिल क्यों नहीं? ना प्रयास कह नहीं वहाँ का तैयार ना भाई नहीं क्यों? अब तो वहाँ का ना बताया हम प्रयास कह नहीं। क्या बातचीत हुई थी उनसे? क्या बातचीत हुई थी उनसे? हम कहीं पहले अपना दल में आई, दल ज्वाइन करी तो वहाँ कहने की ना पहले एग्रीमेंट कराई मुख्यमंत्री जी से कि सिंबल हमरा मिली। अच्छा मतलब हिना साहब का ये कहना था कि इस बात का एग्रीमेंट करवाइए कि सिवान लोकसभा सीट से हिना साहब ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ वो जेडीयू शामिल हो। हाँ सही बात है, लेकिन ऐसा ना भइल। अच्छा बीच में चिराग पासवान आए थे मुलाकात करने, हिना साहब से मुलाकात किए, एक कमरे में बैठ करके हिना साहब थी, उनके पुत्र ओसामा साहब थे, कई लोग थे और घंटों बातचीत हुई थी, उसके बाद माहौल क्या लग रहा है, कहाँ जाएंगे हिना साहब? अब तो ये अंदर के बात बा, तीन आदमी बताइए ये अंदर का बात भइल, हमने के तो जानकारी नहीं है वो बात के, मीडिया में भी ना आई, बंद कमरा में बैठ के बात कर लो, ये जानकारी बा मीडिया में भी रहे, लेकिन वो का बतिया वो लेकर जानकारी हमने का नहीं है वह लो बताई। अच्छा महागठबंधन का सिवान लोकसभा सीट जो है वो आरजेडी को ही रहा है, 3 बार हिना साहब चुनाव लड़ी हैं, चुनाव हार गई हैं, 2009 में हारी, 14 में भी चुनाव हार गई और उन्हें 19 में भी हार का सामना करना पड़ा। इस बार सिटिंग जो सांसद हैं वो जेडीयू से हैं, महागठबंधन है, जेडीयू का टिकट जो कट करके आरजेडी को जाएगा क्या? ना ऐसा तो नहीं लागत। तो फिर हिना साहब का क्या होगा? आए? हिना साहब का क्या होगा फिर? अब तो हिना साहब जो ना दल में बानी
उ दल के लोगों ने बताई हिंगा साहब जो ना दल में बानी उ दल के लोग बताई हम ना बता सकी। और आपका आपका फाइनल है कि सिवान से चुनाव लड़िएगा? फाइनल हमारा हम तो चाहते बनी कि हमारा लड़ेगा बा, लेकिन ये बात सबसे बड़का ब्रेकर बा हमने में कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जौन को है तौन हम करेब लड़ाएब तो लड़ेब आ न तो जिया ओकर मदद करेब, लेकिन वहाँ के इच्छा के विरुद्ध हम कोनो काम ना करेब। अच्छा एक एक आखिरी सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्याम बहादुर सिंह को सर श्याम बहादुर सिंह क्यों कहे? अब वह कहू बताएब नहीं आप तो बहुत दुलार से आज से बनी हाँ प्यार से और कोनो बात नहीं। कब से हैं? पार्टी हमने का बनल मसाल छाप रहे तब से बनी। बहुत लोग इन्हें उन्हें आँख मारल की हेमें चलो हो में चलो हम कहीं ना जाए यहीं में रहे। कैसे वो आँख मारल की हेमें चली हो में चली कैसे ओ हे पार्टी में चली हो पार्टी में चली हम कहीं ना जाए यहीं में रहे। मतलब ऐसे आँख ऐसे करके बताता हाँ इशारा करो लोग हो में चलो हो में चलो हम कहना चलो मकई में कि ऊख में चलो पार्टी में जो ना मन वहीं में रहे ना मकई में जाए ना ऊख में जाए। अच्छा, बीच में कुछ चर्चा हो रहा था शराब वगैरह का मामला कि श्याम बहादुर बड़ी शराब पीते हैं ये उनको जेडीयू से निकाल दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई? अब निकाले वाला जाने हम तो वहीं में अभी बोल रहे बनी हमारा को चिट्ठी चपाटी ने क्या मिलल जे के हमारा निकल ले बा चिट्ठी वोटी कुछ मिली तब नु हम जानते कि भाई हम निकाल दिए बनी। अच्छा नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लिए दो शब्द कुछ कहिए या एक नीतीश कुमार के लिए गाना गा दीजिए, हमारे दर्शक भी सुन ले। है? एक गाना गा दीजिए नीतीश कुमार। मूड नहीं खन गावेला नहीं खन अभी गावेला नु यूपी से ही हन कहाँ से ही हन? अभी अभी इलाहाबाद की ओर से। अच्छा इलाहाबाद की ओर। एकाध हफ्ता में फिर भेंट हुई हमने कहा हो जाए तो फिर इधर कैसे काम चलेगा? है इधर कैसे काम जगह चलता होगा चली। लेकिन दर्शक चाहते हैं कि लाइव सिटीज के जरिए एक नीतीश कुमार के लिए दो शब्द कुछ बेहतर कहिए या एक गाना गा दीजिए। हम तो ये कहे मुख्यमंत्री जी हमारे खुश रही मुस्कुरात रही गाना बिहार के लोग सेवा करते रही सेवा होगा करते बने। एक बार गाना में गा दीजिए थोड़ा सा। एक बार नहीं खेनू गा बोले घर है बन घर में हो जाई हो जाई हो जाई हो जाई जवान बड़ा थोड़ा सा धैर्य रखो हमने के तो बुढ़ा गए सब बूढ़ पुणे से कितना बोले। इसके दर्शक चाहते हैं कि लाइव सिटीज के कैमरे पे एक बार थोड़ा सा दो शब्द गुनगुना दीजिए बेहतर गाना कुछ। उसके लिए मूड की जरूरत नहीं है, अगर चाह देंगे तो दो शब्द गा सकते हैं। सावन के महीना बाबा पर उज्जवल ढारता ढारे के चाही सुना दीजिए एक गाना। एक गाना सुना दीजिए बाबा पे। अब ये बेरा छोड़ी ना सुनाए बड़ा छोड़ी बड़ा छोड़ी। चलिए श्याम बहादुर सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, सिवान के बढ़रिया के पूर्व विधायक, चर्चित विधायक और नीतीश कुमार के बेहद करीबी, जिन्हें नीतीश कुमार भी सर श्याम बहादुर सिंह के नाम से बुलाते हैं। नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सिवान लोकसभा सीट पर दी है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।